गोविंदगढ़ तहसील के युवाओं द्वारा भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में रामबास गोविंदगढ़ एवं रामगढ़ के साथ साथ अलावड़ा, चौमा, तिलवाड़ा, इंदरपुर सहित एक दर्जन गांवों में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें लगभग 200 बाइक शामिल थी। रैली के दौरान सबसे आश्चर्यजनक एक नजारा सामने आया, जिसमें युवाओं के द्वारा टेंट नहीं फड़वाएंगे, सुखवंत को जिताएंगे जैसे नारे को सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। जानिए रैली निकालने वालों के जरिए से कि उन्होंने ये नारा क्यों दिया। एवं गोविंदगढ़ में बाइक रैली निकाली गई थी। बाइक रैली रामगढ़ विधानसभा में कई गांवों का दौर किया, जहां पर देखने में एक बात सामने आई, युवाओं के द्वारा टेंट नहीं फुड़वाएंगे, भाजपा जिताएंगे जैसे नारे लगाए जा रहे थे। आज हम रैली में शामिल उन युवाओं से ये जानकारी लेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने इन नारों को लगाया। गत समय में आपने देखा होगा कि साफिया खान जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए, साम दाम दंड भेद, अगर किसी का सर फोड़ना पड़े तो उसका स्वर भी फोड़ दो, लेकिन चुनाव जीतो। तो हमने इस रैली को इसी लिए निकाला कि हम सबको जागरूक करें कि जो व्यक्ति चुनाव से पहले हमारे चुनाव जीतने के लिए हमारी टेंट तक फोड़ सकता है, वो क्या हमें सही चुनाव लड़ करके हमारे विकास के लिए काम करेगा। तो इसीलिए हमने सारे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को सभी को जागरूक करने के लिए रैली निकाली कि हाँ, टेंट नहीं फोड़वाएंगे और बीजेपी जिताएंगे। साफिया खान का जो बयान आया था कि साम दाम दंड भेद, कितने भी निजता की जो राजनीति हो, कैसी भी करके हमें चुनाव जीतना है, तो इस प्रकार से सर फोड़ने वाली बात भी उसमें एक बात आई थी, वीडियो आया था उसका, कि चाहे सर फोड़ना पड़े तो सर भी फोड़ दो, लेकिन हमें चुनाव जीतना है। तो इस प्रकार का जो बयान है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल घटिया बयान है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। एक बयान दिया था, इसमें चुनाव जीतने के लिए नीति बताते हुए साम दाम दंड भेद टेंट भी किसी की फोड़नी पड़े, तो ऐसे बयान से आहत होकर गोविंदगढ़ के युवाओं ने एक बड़ी मात्रा में इकट्ठे होकर करीब 250 बाइकों पर लगभग 500 की संख्या में हम युवा ने गोविंदगढ़ रामबास होते हुए पूरे रामगढ़ तक एक बाइक रैली निकाली। इसके पश्चात रामगढ़ में बाइक रैली निकाली, इस सभा में शामिल होकर वापसी आते वक्त हमने अलावड़ा, तिलवाड़, चौमू, सहजपुर, हरसोली, मूडपुरी, इंदपुर, खेड़ा आदि में बाइक रैली निकाली। नेता साफिया जी जो विवादित रही है, 2013 में जब जिला प्रमुख थी, जब ग्राम सेवक की भर्ती आई थी, लगभग 80% पदों पर इन्होंने मुसलमानों को लगाया था। तो ऐसे दागदार छवि वाले नेता के द्वारा फिर ऐसा काम करना, निंदनीय बयान देना घोर निंदनीय है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। कल भाई साहब, हमने मोटरसाइकिल से रैली निकाली थी, रामगढ़ में योगी जी आए थे और साफिया के वचनों से हमने रैली निकाली हुई थी। उन्होंने एक मीटिंग में बोला था कि काम दंड भेद सब चाहे टेंट फोड़नी पड़े, और उसी की वजह से हम भाजपा के लिए हमने रैली निकाली गई थी।